फेविकॉल हेयर इन द ग्रीन वाला ओके जहां जहाँ जो जो कलर है हम सिर्फ वही वही कलर पे ये एक्टिविटी करेंगे पेपर्स वही वही टेयर करके लगाएंगे राइट जस्ट स्प्रेड दिस विद हेल्प ऑफ योर फिंगर इसको अच्छे से स्प्रेड करना है जितने एरिया में आपका ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको राइट एंड नाउ स्टार्ट टेयरिंग दिस विद द स्मॉल स्मॉल बिट्स सी इससे बड़ा पेपर नहीं फाड़ेंगे आप बहुत स्मॉल स्मॉल फटेगा क्योंकि अगर आप ये बड़ा बड़ा करेंगे ना इस एक्टिविटी का ब्यूटी ख़त्म हो जाएगा तो ये छोटा छोटा पेपर आप लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल एज से फ्रॉम द एज ठीक है यहाँ से आप इसको लगाते जाएंगे अब बिल्कुल देख के लगाना है कि ग्रीन वाला पेपर ग्रीन में ही लगेगा आप उसमें उसको येलो में उसको ऑरेंज में कहीं उसके साथ आप उसको वो नहीं कर सकते मिक्स नहीं कर सकते राइट right? सो so, ऐसे स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर यू विल यूज फॉर दिस एक्टिविटी सी मैंने कोई भी साइज बड़ा नहीं फाड़ा पेपर का है ना छोटा 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 सारा साइज़ आप इतना पहले फाड़ के रख लो एक ही बार 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 फाड़ने का जरूरत नहीं है एक ही बार इसको खूब सारा फाड़ के रख लो और फिर इस पर फेविकॉल लगा के इसको लगाते रहना राइट सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग द ग्रीन द सेम वे आई डू द ऑरेंज ठीक है मैं थोड़ा पे ही लगाती हूँ बिकॉज आई एम नॉट डूइंग मच राइट इतने पे लगाया सेम विद ऑरेंज स्मॉल स्मॉल How small हाउ tearing. बिल्कुल हरी नहीं करना है जहां आपने हरी किया तो वो आपका ये खराब होगा होगा। ही हो और आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपके पास देखो एग्जाम्पल भी है इसमें कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ा है उसमें राइट सो प्लीज फॉलो द एग्जाम्पल एज वेल रेफरेंस वहीं से लीजिए आप देखो इवन आई एम ऑल्सो नॉट लिविंग एनी स्पेस ठीक है ना एक के ऊपर एक आप इसको चाहे ओवरलैप कर दो राइट सो दिस इज हाउ यू विल डू द होल एक्सरसाइज ओके चिल्ड्रन बाय बाय